बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ग्रैंड क्विज़ 601 के बारे में कुछ बताऊंगा और मैंने लिंक में कुछ फाइल्स भी अपलोड की हैं, तो आप इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे आप कुछ गाइडलाइन भी हासिल कर सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये एड्रेस लिखना है और एड्रेस लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है। जब इंटर करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आपने ये CS601 लिखा हुआ है, तो ये आपसे एक नीड एक क्वेश्चन पूछेगा, तो आपने ऑप्शनल में कुछ भी दे देना है और आपने साइन इन कर लेना है। जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पर भी ये तकरीबन ये टोटल बनती हैं 6-7 फाइलें बनती हैं, तो उनमें से तमाम फाइलों को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये आप जहन में रखें कि ये जो फाइलें मैंने अपलोड की हैं ये तकरीबन ज़्यादातर मुआज़ सदीकी और वकार सिद्दू के हैं। आप भी अगर डाउनलोड करना चाहें तो नेट से सर्च करें वकार सिद्दू और मुआज़ सदीकी को, क्योंकि इनके जो फाइल्स हैं उनको ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है और इनसे सवाल ज़्यादा आते हैं। ये दूसरी फाइल मैंने ये virtualinspires.com से डाउनलोड की थी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मवाद दिया गया है और ये तमाम फाइल्स हलशुदा हैं, तो इनमें से कुछ जो सबका क्वीज़ हैं उनको भी ऐड किया गया और कुछ लेटेस्ट भी हैं। आप इनको अच्छी तरह नज़र मार लेना। इसके बाद ये एक और फाइल है, ये तकरीबन 324 पेज के लगभग है और ये भी सारी हलशुदा है, और इसका ये फ़ायदा है कि ये सारी चैप्टर वाइज हल की गई है, इसमें तकरीबन तमाम के तमाम सवालात मिल जाएंगे। एक और फाइल है ये हाफिज़ाबाद की है, तो इसमें भी तकरीबन ये 6 पेज बनते हैं और इनमें से भी अक्सर आ जाते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी कि सिर्फ क्वीज़ तलाश करने और उनको याद करना है, ना कि एक लॉन्ग क्वेश्चन को। एक ये फाइल है, ये तकरीबन 700 क्वीज़ पर मुश्तमिल है और इसमें ये भी चैप्टर वाइज बनाएंगे और तरतीब के साथ, तो आप इसको भी अच्छी तरह नज़र मार लेना और रिवाइज भी कर लेना, हो सकता है इनमें से कुछ क्विज लग जाए। ये भी हाफिज़ाबाद कैंपस की है, इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है मुआज़ सदीकी के, तकरीबन ये 70% जो चांस होता है वो मुआज़ सदीकी की फाइल्स में से चांस होता है, और तकरीबन मैंने जितने भी सवाल किए हैं वो मुआज़ सदीकी की फाइल्स में से आए हैं, तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग भी मुआज़ सदीकी को अच्छी तरह टच करें। जो जितनी भी फाइल्स मेरे पास थी मैंने अपलोड कर दी, हो सकता है आपको इससे भी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन मुआज़ सदीकी के मवाद को आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है और इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। यहाँ पर मैंने कुछ हैंड आउट्स अपलोड किए हैं और तकरीबन ये सारी मुकम्मल हैंड आउट्स हैं, और
जितनी भी मेरे पास एंड्रॉइड से ये थी, ये मैंने स्लाइड्स डाउनलोड की थी और लेटेस्ट यानी कि जो अपडेटेड लेक्चर वाइज थे, टॉपिक वाइज, उनकी ये बनाई गई। तो मैंने टोटल 19 की 19 अपलोड कर दी हैं ना, 19 भी नहीं बनती है, तकरीबन ज़्यादा बनती हैं, 16 चैप्टर हैं टोटल। तो 16 चैप्टर की मैंने तमाम अपलोड कर दी, लेकिन आप लोगों ने ये 114 से 23 तक जो है ये लास्ट फाइल है, तो यहाँ तक आपने इसको देख नज़र मार लेना, इनको अच्छी तरह देख लेना। लेकिन आप लोगों से एक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इससे मुझे भी कुछ फ़ायदा हासिल हो। यहाँ पर एक दो चीज़ें और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाज़ुकात अगर सवाल हल करते हुए या क्विज़ हल करते हुए आपकी कॉपी पेस्ट वाली एक्सटेंशन जो है वो काम करना छोड़ जाती है, सिंपल कॉपी पेस्ट या व्यू अलाउ कॉपी पेस्ट आपकी काम करना छोड़ जाती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इन फाइल्स को या आपके पास जो भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आपने ओपन कर लेना है और उनको नीचे मेन्यू बार में रख लेना है। जब उनको आप मेन्यू बार में रख लेंगे तो फिर उसके बाद आपको ये मैं एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके के ज़रिए आपने कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करना है और उसके बाद ये एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, उस मेन्यू में से आपने अपना सवाल जो है वो पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैं आपको एक फाइल खोल के दिखाता हूँ, ये CX01 की। तो यहाँ देखें, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस किया और ये एक बॉक्स ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना, अपना क्विज जो है वो पेस्ट कर देना। जब आपने यहाँ पर पेस्ट करना है तो वो जहाँ कहीं भी होगा सवालों से रिलेटेड वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। ये आपने तकरीबन जो भी 3-4 फाइलें होंगी उन पे आपने ये अप्लाई करना है, यानी कि अगर अलाउ कॉपी काम नहीं करती तो ये दूसरा तरीका ये भी है कॉपी करने का। जैसे यहाँ पर ये मैंने टोपोलॉजी लिखा तो ये टोपोलॉजी आ गया। एक और मशवरा आपको देता हूँ कि आपने नाइट्रो प्रो की जो है डीप फाइल, ये एप्लीकेशन, ये आप लोगों ने इंस्टॉल अपने कंप्यूटर में लाजमी कर लेनी है। इससे ये है कि ये रजिस्टर्ड फाइल होती है और दूसरा ये कि इसमें सर्च करने के लिए आपको आसानी होती है। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनानी है, इंशाल्लाह जल्दी मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और जल्दी उसको अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।